नमस्कार, स्वागत है आपका satyhindi.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जो कि अपनी सुंदरता, सादगी और वहां के शांतिप्रिय माहौल के लिए हमेशा से जाना जाता था, लेकिन आजकल लक्षद्वीप इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर कुछ अजीबोगरीब रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे नियम वहां के जो प्रशासक है प्रफुल्ल कोडा पटेल, उन्होंने बनाए हैं कि वहां की जो पूरी जनता है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो परेशान हैं, गुस्से से आग बबूला हैं, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस कोविड महामारी के दौरान। लेकिन आज लक्षद्वीप क्यों जल रहा है, वहां की प्रॉब्लम्स क्या है? आज लक्षद्वीप वो लक्षद्वीप नहीं है जिसकी ओर लोग देखते थे कि वो छुट्टियां मनाने जाए, आज वो लक्षद्वीप हमारे बीच नहीं है। आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद हमदुल्ला सईद, जो कि लक्षद्वीप के पूर्व एमपी रह चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो 2009 में ये चुनकर लक्षद्वीप के लोकसभा एमपी बनकर आए थे, उस समय ये सबसे कम उम्र वाले 15वीं लोकसभा के एमपी थे। इनके पिताजी पीएम सईद वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लक्षद्वीप से ही 10 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं पीएम सईद साहब। तो हमदुल्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है satyhindi.com पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। मोहम्मद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है सारे दिक्कतों की, आज लक्षद्वीप में जो भी हो रहा है, क्या आज ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रफुल्ल कोडा पटेल के सिर पे ही मांडी जाएगी जो भी आज लक्षद्वीप पे हो रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जब से देश आजाद हुआ है और 2014 तक, आज तक लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है और केंद्र शासित प्रदेश के हैसियत से हमेशा इसका जो प्रशासक रहा है वो एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर रहा है, सर्विंग आईएएस ऑफिसर रहा है, जो कि सिविल सर्वेंट है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिविल सर्वेंट के अलावा लक्षद्वीप का प्रशासक बना हो 2014 तक। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम था मिस्टर फारूक खान, वो आज जो है वो हमारे प्रशासक रहे। पहली बार ऐसा कि वो रिटायर्ड हुए और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नॉर्थ ईस्ट के प्रभार भी संभाला था और वो रहे हमारे यहाँ प्रशासक के रूप में। उसके बाद फिर दिनेश्वर शर्मा जी आए जो आईबी के डायरेक्टर थे पहले, और उसके बाद अब प्रफुल्ल भाई घोड़ा भाई पटेल। तो ये तीनों जो थे वो पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, ये सर्विंग ऑफिसर्स नहीं थे, और ये सब जो रिटायर होकर जिन्होंने बीजेपी के जो बीजेपी के भारवाही भी थे, ऑफिस बैरर भी थे, उनकी हैसियत से उन्होंने काम किया और उनको प्रशासक के रूप में भेजा गया। अब प्रफुल्ल भाई घोड़ा भाई पटेल जो हैं, दिसंबर 2020 में ये प्रशासक बने, और प्रशासक बनने के बाद सबसे पहला कदम इन्होंने ये उठाया कि लक्षद्वीप जो है पिछले एक साल से एक भी कोविड का केस नहीं था। लक्षद्वीप टोटली ग्रीन जोन था, कोविड फ्री था, एक व्यक्ति को वहां पर कोविड की पॉजिटिविटी नहीं हुई, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के चलते कोविड हम बचा पाए लक्षद्वीप। क्या था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? अगर कोई व्यक्ति केरला से या कर्नाटका से, मैंगलोर पोर्ट से या कोचिन या कैलिकट से लक्षद्वीप आता है तो उसको पहले 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने डिपार्चर पॉइंट से, यानी कि केरला में और कर्नाटका में, और 2 हफ्ता क्वारंटीन करने के बाद उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। आरटीपीसीआर के टेस्ट में अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वो लक्षद्वीप आके 2 हफ्ता क्वारंटीन करके फिर वो जा सकते। लेकिन टोपी को हटाने की बात प्रशासक ने जिद पकड़ ली कि हमें इसको हटाना है। हमने पूछा आप क्यों हटाना चाह रहे हैं? तो वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहे थे वो बहुत मंदी में जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है और काम चल नहीं रहा है, इसमें हमें एसओपी हटाने की जरूरत है। हमने ये कहा कि भाई इंसान या आदमी जिंदा रहेगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फायदा होगा। अगर यहाँ कोविड आ गया तो एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अगाती में, बाकी सब आइलैंड के लोग क्या करेंगे, उनको मेनलैंड ले जाना पड़ेगा, कितनों को आप इवैक्यूएट कर सकते हैं? जिस पर उन्होंने जिद जताई और उन्होंने एसओपी को विड्रॉ कर।
एसओपी की विड्रॉ करने के बाद जितने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और अध्यक्ष थे और चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिला पंचायत के और ग्राम पंचायत के, उन्होंने सबने धरना किया इसके खिलाफ, इसके विरोध में जो एसओपी विड्रॉ किया, क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस है। अगर एसओपी आप हटाएंगे तो कोविड आएगा और उसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्या हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये किया कि जब ये चले गए, एसओपी जब विड्रॉ कर दिया गया तो लोगों ने धरना किया और जिन लोगों ने धरना किया उन सबके ऊपर एफआईआर कर दी और नॉर्मल इंडियन पिनल कोड के तहत उसमें उनके खिलाफ एफआईआर की और इतने स्ट्रिंजेंट दफाएं लगाई थी कि उनको एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक जमानत ही नहीं मिल रही। लोगों ने केरला हाईकोर्ट अप्रोच किया और उसको किसी तरह जमानत करवाया डेढ़ महीने के बाद। तो ये हालत है लक्षद्वीप में जब प्रशासक और प्रशासन ने गुंडा एक्ट नहीं लगाया। यदि गुंडा एक्ट लगता है तो फिर वो तो एक साल तक वो तो बाहर की दुनिया देख ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, आज आप कोटा पटेल जी का इंटरव्यू अगर आप देखें कहीं पे भी और किसी भी चैनल से उन्होंने बात की है तो उन्होंने एक बात कही कि आज विकास हमको लाना है लक्षद्वीप में और लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं लेकिन लक्षद्वीप नहीं आते हैं, इसलिए हम ये जो 36 आइलैंड्स जो छोटे छोटे हैं उन 36 आइलैंड से हम 100 आइलैंड्स बनाएंगे और इसको एक टूरिज्म का हब बनाएंगे। ये कितना कारगर, ये पूरा जो विकास यात्रा है जो बीजेपी की, ये कितनी कारगर लक्षद्वीप में साबित होगी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। ये मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं, लक्षद्वीप जो है बिल्कुल इकोलॉजिकली बहुत फ्रजाइल है। इकोलॉजिकली बहुत फ्रजाइल होने के और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने की वजह से एक टापू के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कंक्रीट बिल्डिंग या इवन प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने का एक लिमिट है। आप उस लिमिट को क्रॉस करके अगर उस पर ज्यादा जोर देंगे तो वो आइलैंड की भूमि पर ज्यादा जोर होगा और जिससे कि आइलैंड जो है पानी के नीचे जाने का भी उसमें डर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसा हुआ है, कई आइलैंड नेशंस पानी के नीचे चले गए डेवलपमेंट की वजह से और टूरिज्म की वजह से। और मालदीव्स का जहां तक सवाल है, मालदीव्स में 2000 आइलैंड है। 2000 आइलैंड को आप 36 आइलैंड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं लक्षद्वीप को? ऐसा लगता है जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को लक्षद्वीप से कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टेट जो बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत लैंड है, जिसमें बहुत एरिया है, अगर मालदीव्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ आइलैंड्स अगर पानी के नीचे चले जाते हैं तो उन आइलैंड के लोगों को रिहैबिलिटेट करने की जगह दूसरे आइलैंड में है, दूसरे टापू में है। यहाँ सिर्फ 36 है, अगर 36 डूब जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अगर इंसान जी मोहम्मद, लेकिन अगर इतना फ्रजाइल है और इकोलॉजिकली आप कह रहे हैं कि इतना फ्रजाइल आइलैंड है तो उस पर बीजेपी की जो सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो कैसे सपना देख रही है? आज जो प्रशासक है प्रफुल्ल कोटा पटेल, वो कह रहे हैं कि हम हाईवेज बनाएंगे, हम रेलवे लाइंस डालेंगे, तो जब इकोलॉजिकली इतना फ्रेजाइल जोन है तो वहां पर ये सब बनाने की क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी स्पेस होगा कि हम हाईवेज बनाएं, रेलवे लाइंस बिछाएं लोगों के बीच में? मैडम, रेलवे लाइन कहाँ बिछाएंगे? प्रफुल्ल पटेल साहब जो प्रशासक है आप उनसे पूछिए, क्या वो लक्षद्वीप से केरल रेलवे लाइन बिछाएंगे या लक्षद्वीप से मालदीव बिछाएंगे? चारों तरफ पानी है, समुन्दर है चारों तरफ, 500 किलोमीटर केरल से दूर है लक्षद्वीप, लोग शिप से आते हैं ओवरनाइट जर्नी करके, तो इतना लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार इतना पैसा लगाएगा रेलवे लाइन बिछाने के लिए? इतना दूर लक्षद्वीप से केरल कितना दूर है? 500 किलोमीटर के आसपास है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा उसके ऊपर, कितनी उसकी कॉस्ट बैठेगी, ये सारी चीजों के बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है। भारत सरकार तो सारे कंपनियों को, नवरत्न कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रही है क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्राइवेटाइज करते वक्त इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ पाएंगे? सोचने वाली बात है ना। नहीं, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि जो विकास की बातें जो बड़ी बड़ी कर रही है केंद्र सरकार और प्रफुल्ल कोटा पटेल जी, ये सब हवाई बातें हैं, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, आपके ये कहने का मतलब है? तो उन्होंने कहा पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे जो समझ में आता है मैंने उस समझ से अपनी बात बताई।
जो उन्होंने कहा उन्होंने किस इंटरप्रिटेशन उनका क्या है या उन्होंने किस मकसद से बोला या उनकी क्या सोच है, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन जो उनकी बात है उससे जो मुझे समझ में आया मैं उस पर टिप्पणी दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार के वो प्रॉब्लम हो रही है, बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, नवरत्न कंपनीज प्राइवेटाइज हो रहे हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग नवरत्न कंपनीज है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज हो रहा है, भारत पेट्रोलियम जो है वो प्राइवेटाइज हो गया, ये सारी चीजें जब प्राइवेटाइज हो रही है तो ये सारी चीजें प्राइवेटाइज क्यों हो रही है? सरकार को पैसे की दिक्कत आ रही है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सरकार को पैसा दिया है इसीलिए सरकार को इतनी दिक्कत नहीं आ रही। ये सारी चीजें सबको पब्लिक डोमेन में है, ये चीजें चीज कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आप डिस्क्रीटली या सीक्रेटली कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब एसओपी निकाल दिया और बिना गुंडा एक्ट के इतने जो है स्ट्रिंजेंट कानून के प्रोविजंस लगा के लोगों को बंद किया जा रहा है, तो गुंडा एक्ट जहाँ क्राइम नहीं है, जिस एरिया में लोग शांतिपूर्ण शांति और समाधान से और खुशी से रहते हैं, यहाँ लोगों में आपस में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे आप ये गुंडा एक्ट लाके क्या दिखाना चाह रहे हैं या क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि गुंडा एक्ट लाने के पीछे जो मंशा हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो भी विरोध करेगा प्रशासन का उसको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल यही मंशा है गुंडा एक्ट लाने के पीछे? बिल्कुल यही हो सकता है कि अगर आप प्रशासन के खिलाफ या उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर आप उनका विरोध करते हैं तो उसके खिलाफ जरूर ये कानूनी कार्रवाई गुंडा एक्ट को लागू करेंगे। और गुंडा एक्ट को लागू करने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप जेल गए तो आपको एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी, इट इज लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो इतना ड्रकोनियन लॉ ऐसी जगह आप ला रहे हैं जहां क्राइम नहीं है, क्या उसका तुक है? क्राइम रेट जहां नहीं है वहां आप गुंडा एक्ट ला। मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ पे कि प्रफुल्ल पटेल जी ये कह रहे हैं कि ड्रग्स के साथ लोग पकड़े गए, कुछ माफियाज पकड़े गए, तो उनको कर्ब करने के लिए और जो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। मुझे नहीं पता वो कितना कन्विंसिंग है। देखिए, ड्रग्स को काउंटर करने के लिए, ड्रग्स को और ड्रग्स और क्या कहा आपने, मैं आपकी बात का जवाब, माफियाज हैं और ड्रग्स है, ड्रग्स के साथ माफिया कहाँ, लक्षद्वीप में माफिया, लक्षद्वीप में माफिया होने के लिए आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस होना चाहिए, आपके पास मिनरल्स होना चाहिए, बॉक्साइट होना चाहिए, आयरन ओर होना चाहिए, ये सारी चीज तो लक्षद्वीप में नहीं है और वहां पे तो माफिया रहेंगे कैसे, चारों तरफ पानी है, 5-5, 10-10 किलोमीटर के टापू हैं, उस टापू में से कैसे जा सकते हैं आप? माफिया वो है जो छुप कर काम करते हैं और छुप जाते हैं अपना गलत काम करने के बाद, वहां छुपने के लिए जगह कहाँ है? तो खुला आइलैंड है बिल्कुल। और जहां तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स के लिए तो एक खास कानून है NTPS, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, आप उसमें बंद करिए। आप कहते हैं कि लोगों के पास हथियार हैं, कहाँ है हथियार, आप लाइए ना, दिखाइए, फायर आर्म्स एक्ट है, आप उसमें बंद करिए। क्यों नहीं बंद कर रहे? आपके पास प्रशासन है, आपके पास पुलिस है, आप सारा काम करिए। और फिर आप ये ऐसा, मुझे जो समझ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी एंटी पॉलिसीज, एंटी पीपल पॉलिसीज, लोगों के जो क्या कहते हैं उसको, लोगों को हानि पहुंचाने वाले जो नीतियां हैं उनको लागू करने के लिए अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसके उसको दबाने के लिए, उसको जो है बंद करने के लिए ये गुंडा एक्ट लाया गया है, जो मुझे समझ में आता है। जी, एक सवाल और भी आता है, आपने कहा कि लोगों को हानि पहुंचाने के लिए इस तरीके की एंटी पीपल पॉलिसीज वहां का प्रशासन लेकर आया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो 97% पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की वो मुसलमानों की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, तो आपको लग रहा है कि ये एक एंटी मुस्लिम एजेंडा के तहत भी इस तरीके का नैरेटिव इवॉल्व किया जा रहा है, भले ही वो केंद्र सरकार के निर्देशन पर ही हो, तो ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का दमन या एक तरीके का एक कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन आप जिसे कहते हैं वो उसका भी एक संकेत है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये 97% मुसलमान जो है अभी हुए हैं, लक्षद्वीप जब से था तब से मुस्लिम ही रहते थे, वहां पे मुसलमान ही रहते थे, माइनॉरिटी जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो 4-3% जो थे वो तो अभी भी रहते हैं। लेकिन अगर ये मुस्लिम हिंदू की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये मुस्लिम एजेंडा नहीं है,
ये वहां का कल्चरल इशू है, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, वहां का तौर तरीका, वहां के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, लोग जैसे बात करते हैं, भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, ये बिल्कुल अलग है। इसमें रिलीजन से क्या लेना देना, रिलीजन से क्या लेना देना। कई लोग इस चीज को कह रहे हैं कि क्योंकि कोटा पटेल साहब आरएसएस से बहुत करीबी रहे हैं तो बीजेपी अपना हिंदुत्व का एजेंडा लक्षद्वीप पर थोपना चाह रही है, तो ये कितना सही परसेप्शन है? का एजेंडा जो आरएसएस या बीजेपी जो है वो उनका आइडियोलॉजी है, वो सब लोगों को मानना कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है। देश संविधान से चलेगा, है ना, इस बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी से तो नहीं चलेगा। भारत के संविधान हर व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश में रहा है और जो इस देश का नागरिक है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत के संविधान की तरफ, उसके लिए जिम्मेदारी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, सबके लिए है। सब बराबर तरीके से रहेंगे। आप अपने राइट्स को समझिए और आप संविधान के हिसाब से चलिए। अगर बीजेपी वो थोपना चाहती है तो वो मतलब उनका अगर ये ऐसा है तो अगर वो ये ऐसा सोच के अगर कर रहे हैं, हम उसको रिलीजियस एंगल में लेते ही नहीं, हम उसको कल्चरल एंगल में लेते हैं। हमारा खान पान, हमारा बोल चाल, हमारा रहन सहन सब अलग है, तो उसमें आरएसएस की आइडियोलॉजी का क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने अभी खान पान की बात की, बीफ बैन भी लगा दिया है कोड़ा साहब ने, और बीफ बैन वहां के लोग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, और इस तरीके के बीफ बैन को वहां के लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, इस तरीके के बीफ बैन को? मेरा ये मानना है कि देखिए वो वहाँ की कल्चरल इश्यूज हैं, जो लोग वहाँ पे जो खान पान है वहाँ का लोकल ट्रेडिशनल है। अभी केरला में खाते हैं लोग, लक्षद्वीप में खाते हैं, गोवा में खाते हैं। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो आरएसएस का आइडियोलॉजी नहीं चलाया, वहाँ तो बीफ बैन नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आप सरकार में हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीजेपी के कई रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपने बीफ बैन नहीं लगाया। तो अगर बीफ बैन, अगर आप बीफ को कहते हैं कि गलत है, तो आपको ये कानून हर जगह लाना चाहिए। कुछ स्टेट्स में लाए हैं जहां पोलराइज करने की जरूरत थी वहां लेकर आए, लेकिन इन स्टेटों में क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ अगर ये कानून बना देंगे तो शायद बीजेपी दोबारा पावर में नहीं आएगी, ऐसा लगता है आपको? लेकिन इसके पीछे मंशा क्या आपको लगती है, बीफ बैन के लगाने के पीछे मंशा क्या है प्रशासन की? जनता को परेशान करना है। अगर उनको ये लगता है कि भाई हमारे साथ नहीं आ रहे, बीजेपी के साथ नहीं आ रहे, तो फिर परेशान करिए इनको। भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको वोट करिए, आप जिसको जिस आइडियोलॉजी को मानिए, जिस धर्म को मानिए, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आप इसी धर्म को मानेंगे, आप इसी जबान को बोलेंगे, आप इसी भाषा को बोलेंगे, इसी बोली को बोलेंगे, ये तो कहीं भी नहीं है, ये तो फ्रीडम है हर इंसान। एक और रेगुलेशन जिसके बारे में काफी लोग विरोध कर रहे हैं और वो है टू चाइल्ड पॉलिसी, कि जिन लोगों के पास दो बच्चों से ज्यादा है वो विलेज काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि बिल्कुल पंचायती राज अब खत्म कर देंगे। क्यों इसका लोग विरोध इतना कर रहे हैं, क्यों वहां पर परेशान है इस चीज को लेकर जनता? एक बात बताइए, ये किसी एक फैमिली में दो बच्चा होना या एक बच्चा होना या बच्चे ना होना, ये उस फैमिली को डिसाइड करना है। ये गवर्नमेंट क्यों उसको रेगुलेट कर रही है? कितने ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स आज केंद्र सरकार में हैं जिनके चार चार बच्चे, पांच पांच बच्चे हैं? ऐसे बहुत से केंद्र सरकार के अभी केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप अगर उसको नेट पे सर्च करेंगे तो वो देखेंगे। तो पहले आप उनको तो हटाइए जो आपके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, जिनके दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हैं, उनके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। आप कानून उनके ऊपर लगा रहे हैं जो बिल्कुल मतलब जो हेल्पलेस हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आप उनको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? अगर आप कानून बनाते हैं तो कानून सबके लिए लागू है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लागू होगा दूसरे के लिए नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कानून तो सबके लिए है, ये तो संविधान बोलता है। लेकिन ये चीज जो विलेज काउंसिल इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, इसके पीछे आपने ये तो कहा कि जनता को परेशान करने की मंशा लगती है प्रशासन की, लेकिन इसके अलावा जो इसका लार्जर सिनारियो है पंचायती राज सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप कैसे देखेंगे?
क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है जी। विधानसभा जहाँ नहीं है वहाँ तो पहले ही केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल अपॉइंटी नियुक्त कर दिया है, जो अपने आप में सही नहीं था, क्योंकि अगर विधानसभा नहीं है तो अगर लोगों को अपनी ग्रीवांस को उठाना है तो उनके पास एक फोरम होना चाहिए, वो फोरम होता है विधानसभा। अगर विधानसभा नहीं है तो आप प्रशासक को न्यूट्रल, जो प्रिजुडिस नहीं है, जो किसी एक तरफा ना काम कर रहा हो, न्यूट्रल तरीके से सबकी बात सुन के सोच समझ के जो न्याय है, नीति है, उसका पालन करें, वो ऐसा होना चाहिए प्रशासक। आप प्रशासक को ऐसे आदमी को बिठा रहे हैं जो बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। उसके बाद आपने जिला पंचायत के 5 डिपार्टमेंट थे, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो हमने 5 डिपार्टमेंट जिला पंचायत को दिए। लक्षद्वीप में 2-tier सिस्टम है पंचायत का, एक जिला पंचायत जिला स्तर पे और ग्राम पंचायत, हर आइलैंड में एक ग्राम पंचायत यानी कि 10 ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत को 5 विभाग दिया गया था, स्वास्थ्य, विद्याभ्यास और फिशरीज, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री, ये 5 डिपार्टमेंट दिए गए थे। 5 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग, उस पर अगर कोई बेसिक पॉलिसी बनानी है लोगों के फायदे के लिए या कोई ऐसे चेंजेस लाने, वो सारी चीज किसने बनाया, ये जिला पंचायत को दिया, ताकि वो सेल्फ गवर्नेंस, पीपल्स रूल, लोगों की अपेक्षाओं को समझकर उसको इस पंचायती राज में इंकॉर्पोरेट करके उसको चलाएं। किया उन्होंने? उन्होंने तो नहीं किया। अभी क्या किया है, नए प्रशासक आने के बाद ये 5 विभाग ले लिए, तो फिर ये जिला पंचायत के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या काम है, सिर्फ बैठे रहे, कोई काम ना करें, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है, क्यों चुनाव करा रहे हैं भाई? आपके पास, आप जहां से चुने हुए, अगर आपके पास आपकी पब्लिक आती है, जनता आती है, कोई काम लेके आती है, अगर आपके पास इतनी भी पावर नहीं है कि आप उनकी कर सकते, तो फिर ये जनतंत्र और लोकतंत्र का क्या मतलब, क्यों आपने बनाया ये? आपने अभी 5 डिपार्टमेंट ले लिए, इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है मोहम्मद कि पूरे पंचायती राज सिस्टम को लक्षद्वीप से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस रूल कर रही है तो उनको तकलीफ है। कांग्रेस मुक्त भारत का एक एजेंडा चलाना है उनको, तो इसलिए वो चला रहे हैं। एक और चीज जिसको लेकर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, और वो है कि किस तरीके से अब शराब को सर्व किया जाएगा। लिकर प्रोहिबिशन जोन एक तरीके से माना जाता था लक्षद्वीप को, और जो अनइनहैबिटेड जो आइलैंड्स हैं, अब वहां पर भी शराब सर्व करने की बात की जा रही है कि लोगों को शराब दिया जाएगा, जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए ओपन अप किया जाएगा। ये कितना कारगर होगा लक्षद्वीप के लिए, कि वाकई में आप इससे टूरिज्म को बढ़ावा देंगे? नहीं, टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए तो, अगर ये बात, अगर देखिए मालदीव्स की बात करते हैं, लक्षद्वीप से अगर आप उसको कंपेयर करते हैं, मालदीव्स का पॉलिसी टूरिज्म के तहत ये है कि मोर ऑफ वॉल्यूम, ज्यादा लोग, वॉल्यूम ज्यादा मालदीव्स में, लेकिन हम लक्षद्वीप में लोग कम, क्वालिटी ज्यादा, क्योंकि वहां पर 36 आइलैंड होने की वजह से लैंड एरिया कम है, फैसिलिटीज कम होगी। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें वहाँ इलेक्ट्रिक पावर का प्लांट लगा सकते हैं, आप वहाँ पानी का प्लांट लगा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ लैंड एरिया कम है, उस कम एरिया के अंदर आप कैसे टूरिस्ट को प्रमोट करेंगे और टूरिज्म कैसे प्रमोट करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, आप ये कह रहे हैं कि शराब आप सर्व कर रहे हैं। कांग्रेस जब सरकार में थी तब लिकर पॉलिसी हम लेकर आए थे, जिसके तहत अनइनहैबिटेड आइलैंड्स में, यानी कि जहाँ लोगों की, जहां लोग नहीं रहते, उस आइलैंड में लिकर प्रोवाइड किया जा रहा था। हमारे यहाँ कभी भी जहां लोग रहते हैं वहां लिकर इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि वो बड़ा शहर नहीं है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहां अगर कोई टूरिस्ट आके अगर वो शराब जो किया जा रहा है, वो शराब का या लिकर का सेवन करने के बाद अगर वो कोई हुलीगैनिज्म करता है या लोकल्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको, लोकल्स को तो आप फट से गुंडा एक्ट में बंद कर देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। अगर आप अनइनहैबिटेड आइलैंड्स में शुरू से दे रहे थे, अभी भी दीजिए। वहां पे बंगाराम आइलैंड में $1,000 चार्ज किया जाता था पर डे, $1,000 ये बंगाराम आइलैंड में, जहां लोग नहीं रहते थे वहां लेकर सर्व किया जाता।
तो हम हाई क्वालिटी टूरिज्म की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए जैसे मालदीव्स में, क्योंकि मालदीव्स के पास एरिया है, 2000 आइलैंड है उनके पास, आप 36 आइलैंड को 2000 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बिना सोचे समझे इस तरीके की एक पॉलिसी लाना जहां पर आपने स्थानीय लोगों से बातचीत भी नहीं की, तो ये क्या वहां के प्रशासन को नजर आ ही नहीं रहा है, या वो अपनी तरफ से पॉलिसीज को इम्पोज करना चाह रहे हैं लक्षद्वीप के ऊपर? ये नजर नहीं आना और देखना नहीं, ये दो अलग चीज है। नजर नहीं आने का मतलब देखा नहीं हो गया, लेकिन अगर अगर आप जानबूझकर सब कुछ जानकर अगर ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने देखा नहीं, तो उसके लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको सारी प्रॉब्लम्स मालूम है, आपको सारी एसओपी के बारे में आपको बताया था सबने, आपने फिर भी विड्रॉ किया, आपको बता रहे हैं कोविड हो जाएगा, नहीं नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए आपको, तो और आपको हम बोल रहे हैं कि ये इसमें भी प्रॉब्लम होगा, नहीं नहीं ये ठीक है, क्राइम जहाँ नहीं है वहाँ गुंडा एक्ट ला रहे हैं, कोविड जहाँ नहीं है वहाँ एसओपी विड्रॉ कर रहे हैं, टूरिज्म जहाँ पे शुरू से टूरिज्म चला है जहाँ पे हाई क्वालिटी टूरिज्म $1,000 पर डे बहुत होता है एक एक दिन के लिए, और वहां पे यहाँ लेकर भी सर्व किया जाता है, नहीं नहीं वो नहीं होगा, अभी लोगों के बीच में भी देना है। आपने प्रशासक जी तो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं गुजरात सरकार में, तो उन्होंने अपने स्टेट में तो ड्राई स्टेट कर रखा है, बूटलेगिंग अलाउड नहीं किया। हाँ जो चीज अपने लोगों के साथ वो नहीं कर रहे, वो इतने इतना क्यों उनको प्यार मोहब्बत आ गया लक्षद्वीप के लोगों के साथ कि वो जहाँ जनवास है जहाँ लोग रहते हैं वहां आके वो सप्लाई कर रहे हैं या लेकर कुछ सर्व करने की बात कर रहे हैं? आप जो अपने लिए अपने स्टेट के लिए अपने लोगों के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए भी करिए, आपने अपने लिए नहीं नहीं किया आप हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? आप तो खैर काफी लंबा रहे हैं लक्षद्वीप में, आपने उसको बहुत करीबी से जाना है, आप कितनी पुख्ता तरीके से आप ये बातें बता पाएंगे कि अगर जब से घोड़ा साहब आए हैं लक्षद्वीप में कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं? मैं कई जगह पर पढ़ रही थी कि बहुत सारी डेयरीज बंद हो चुकी हैं क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी कितनी सच है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि घोड़ा साहब गुजरात की कोई डेयरी यहाँ पर लक्षद्वीप में बसाना चाह रहे हैं, बड़ा जो डेयरी जॉइंट है अमूल, हाँ तो ये इसमें कितनी सत्यता है? हम बहुत खुश हैं कि वो अमूल की डेयरी लेके आ रहे हैं, सबको अमूल का दूध मिलेगा पीने के लिए, हम लोग बहुत खुश हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अमूल दूध लाके आप पूरे आयरलैंड में सप्लाई करके आप ये कह रहे हैं कि हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बंद करेंगे। 31 मई लास्ट डेट है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को वाइंड अप करने का, बंद करने का। उसमें जो कैटल्स थे, पशुपालन होता था, जो मुर्गियां होती थी, अंडे होते थे या मटन होता था, वो सब बंद कर, उन सबको ऑक्शन करने का ऑर्डर इन्होंने प्रशासक जी ने इशू कर दिया है। अच्छी चीज आप लेकर आइए, आप अमूल का डेयरी फार्म डेयरी मिल्क का आउटलेट खोल रहे हैं, बहुत कुछ है आप लेकर आइए, लेकिन जो चीज आप शराब आप अपने गुजरात को नहीं दे रहे वो हमारे इधर लाके देने का मतलब तो फिर हमें लगेगा कि आप खराब करने के लिए आ रहे हैं। तो जो चीज अच्छी है हम उसका स्वागत करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री क्यों आप कर रहे हैं? हर चीज लक्षद्वीप में बाहर से आती है, हर चीज बाहर से आती है, 10 के आसपास शिप्स हैं लक्षद्वीप में, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए इनको सबसे पहले वैक्सीनेशन देना चाहिए था शिप के क्रू को, क्योंकि एसेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, सामान सामग्री लेके जाना, बाहर से आता है, कोई ट्रेन नहीं, कोई रोडवेज नहीं, इन्होंने उनको वैक्सीनेशन का कोई वो आदेश ही नहीं दिया। अब हालत ये है कि सिर्फ 2 शिप चल रहा है जिसमें सारे आइलैंड्स को कैटर कर रहा है और बाकी 8 शिप बंधे हुए हैं, 6 से 7 शिप 8 शिप बंधे हुए हैं क्योंकि क्रूज को कोविड पॉजिटिव हो गया। और कल कलेक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब इतना प्रेशर बना तो कलेक्टर कोचीन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, उसमें बता रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन प्लांट बन के खत्म होने वाला है, कहाँ लगा है ऑक्सीजन प्लांट बताइए? 109 डेथ हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि हो चुका है कोविड के तहत, और कलेक्टर का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने पता नहीं मेरे ख्याल से 30-20 के आसपास बोला, मुझे ध्यान नहीं है अभी, बहुत कम बोला। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट का एक जो नंबर है वो अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन नंबर्स देती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री अपने वेबसाइट पे अपने
डोमेन में लगाती है। ठीक है, डेथ टोल को लेके तो हर जगह से ही, सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं, हर राज्य से सब सुनने में यही आ रहा है कि डेथ टोल को अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक और इशू जो आपसे बात करना चाहूंगी और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन के बारे में, जो ये LDAR लेकर आ रहे हैं। इसका लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन छिन जाएगी और वो घर जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते। ये क्या क्या प्रावधान है जिसका वाकई में वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, लक्षद्वीप लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 की जो नोटिफिकेशन आई, उसके तहत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है तो हर 3 साल में अपने घर का लाइसेंस एक्सटेंड कराना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, टाउन प्लानर्स, जो कि आज तक नहीं हुआ। लक्षद्वीप को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों दिया है भारत के संविधान में? इसलिए नहीं कि वहां पे ट्राइबल लोग हैं, इसलिए नहीं कि वहां मुसलमान हैं, इसलिए दिया है क्योंकि वो ज्योग्राफी के लिए आइसोलेटेड कटा हुआ है, बाकी देश से, बाकी लैंड से कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल अरब सागर में अलग है, इसीलिए उनको दिया हुआ है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये स्टेटस दिया है तो उस स्टेटस के तहत जो शेड्यूल ट्राइब है वही जमीन ले सकता है, वही जमीन बेच सकता है, यानी कि लोकल ही जमीन अपना ले सकता है, लोकल ही जमीन अपना बेच सकता है। अगर इसको हम ओपन कर दें तो किसी भी बड़े कॉरपोरेट को आके 0.32 स्क्वायर किलोमीटर लेने में कितना पैसा लगेगा? बहुत कम पैसा, उनके एक जेब में जितना पैसा होगा वो काफी होगा शायद। तो कहने का मतलब ये है, वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी एग्जिस्टेंस पर दिक्कत ना आने के लिए भारत के संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। आप उस प्रावधान को हटा रहे हो या इस ये LBDR जैसी चीजों के लेके आगे आप उस चीज को डाइल्यूट कर रहे हो। और उसमें यह है कि अगर आपको 3 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं मिली तो ना मिलने की वजह से आपका घर डेमोलिशन का ऑर्डर लग जाएगा, और डेमोलिशन अगर आप नहीं करते तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 2 लाख रुपए की। ये कहाँ का कानून है भाई? ये कहीं किसी देश के किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपए नहीं दे पा रहे तो पर डे, जब तक आप 2 लाख नहीं देते 1000 रुपए पर डे, ये क्या है भाई? ये तो वाकई में ड्रैकोनियन है। लेकिन मोहम्मद, आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो विकास के नाम पर, आपको नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा लक्षद्वीप के खिलाफ बहुत ज्यादा ये भेदभाव है? देखिए नीलू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की परिभाषा क्या है बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए? केंद्र सरकार के लिए विकास की परिभाषा है जहां कोविड ना हो वहां SOP निकाल के कोविड लेकर आओ, जहां क्राइम ना हो वहां गुंडा एक्ट लेके वहां लोगों के ऊपर केस लगा के उनको गुंडा बनाओ, जहां जमीन जो लोकल लोग ही ले सकते हैं बेच सकते हैं उनकी जमीन हड़प लो, लैंड ग्रैब कर लो। ये है केंद्र सरकार की विकास की परिभाषा जो मुझे समझ में आया, क्योंकि आप कोई भी काम, आप कोई भी कानून या कोई भी वेलफेयर पॉलिसी लोगों के लिए, विकास के लिए अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट तो बताओ, उसको जस्टिफाई तो करो। कैसे जस्टिफाई करोगे आप? ये जो काम आपने किए हैं तो क्या क्या जस्टिफिकेशन है आपका? अभी कहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहा है? सारे आइलैंड्स में 12144 कर्फ्यू लगा के बंद करके रखा हुआ है, कर्फ्यू इम्पोज कर रखा है हर जगह, कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं आ नहीं सकता, जो बाहर निकल रहा है उस पर फाइन लगाया जा रहा है, लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, ट्रिपल लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस। जो छोटी मोटी किराना की दुकानें या किराना स्टोर्स होती थी या छोटी मोटी दुकानें जो चलती थी जब कोविड नहीं था पूरे टाइम, वो लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं, दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही कर सकते हैं। क्या सरकार उनको या प्रशासन उनको भत्ता दे रही है या उनको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस दे रही है कि वो घर पे बैठे? वहां पर तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, वहां पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना आप लगा सकते हैं वहां के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ज्यादातर लोग मछुआरे हैं या नारियल के पेड़ पे चढ़ने वाले, उसी से उनका गुजारा होता है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो छोड़ दो, चलो वो महीने की वेतन लेके जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या? बाकी लोग कैसे वो जिएंगे? वो अपना, उनको अपना घर नहीं चलाना क्या? तो क्या आप उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस दे रहे हैं?
कि आपके बनाए हुए ये प्रॉब्लम है कोविड का, आप खुद लेकर आए, लेकिन हमने तो हमारे यहाँ कोविड फ्री था तो आप लेकर आए जबरदस्त। तो ये सारी बातें जो है, तो हमें लगता है कि विकास की परिभाषा ये है कि जितना जो कुछ है वो सब ले लो, और जो कुछ नहीं है उसके बारे में बोलते रहो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब लोग नहीं चाहते वहां पे। पूरे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आइलैंड में 5 मीटर की सड़क है, आप कह रहे हैं कि हम 15 मीटर की सड़क बना के हाईवे जैसी बनाएंगे। क्यों हाईवे जैसी, जरूरत क्या है 5 किलोमीटर के टापू में 15 किलोमीटर 15 मीटर की हाईवे की रोड बनाने का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है? कितने घर टूटेंगे, कितने घर और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टूटेंगे सड़क के नाम पर? जरूरत क्या है किसी चीज को? आपको अगर लेना है तो उसकी जरूरत भी तो आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, बिना जस्टिफाई किए आप कुछ भी कर जा रहे हैं। नहीं तो इसका कारण आपको क्या लगता है? जितनी भी बातें आपने बताई हैं और आपसे ज्यादा अच्छा लक्षद्वीप को कोई नहीं समझता है, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के निर्देशन पर ही यहाँ का जो प्रशासक है मिस्टर कोडा पटेल, वो क्या केंद्र सरकार के निर्देशन पर ही काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से डिक्टेटेड है और वो पूरा एक एजेंडा लेकर आए हैं कि किस तरीके से लक्षद्वीप को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए? क्या आपको ये एजेंडा लग रहा है? देखिए अभी तक जो उन्होंने कदम उठाए हैं, अभी तक जो काम उन्होंने किए हैं उससे तो बर्बादी हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट में नर्सेस होते थे, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर्स होते थे, अध्यापक लोग होते थे, उन सबको निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ और एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया। अभी उनके आने के बाद ही इतनी ज्यादा रिट्रेंचमेंट हुई है, इतनी ज्यादा लोगों को बेरोजगारी हुई है जिसकी हद नहीं। और अभी इस बीच में उन्होंने ये ऑर्डर निकाला परसों के, 3 महीने तक फिशिंग पे कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे फिशिंग पे? वहां मौसम खराब है। अब फिशिंग पे अगर नहीं जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे, अपने घर को कैसे करेगा? तो फिर चोरी होगी, फिर चोरी होगी तो फिर गुंडा एक्ट लगेगा। तो ये मंशा है इस तरीके की। अच्छा दूसरी चीज ये है, जो एनवायरमेंटल वार्डन्स जिनको अभी बनाया था 6 महीने पहले 150 के आसपास, जिनकी 1 साल की ट्रेनिंग हुई और सब कुछ हुआ, उसके बाद उनको रिक्रूट किया गया, उन 150 एनवायरमेंटल वार्डन्स को निकाल दिया। ये कह गए कि अभी मानसून सीजन है, अभी आपकी जरूरत नहीं है, पर मानसून सीजन के बाद हम देखेंगे कि अगर आपकी जरूरत है या नहीं। तो भैया 1 साल के, 1 साल का ट्रेनिंग करके सरकार का पैसा क्यों वेस्ट किया? तो जस्टिफिकेशन है उसका कुछ? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोगों की नौकरियां आप वो कर रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, प्रशासन को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ना केंद्र सरकार अपनी गलती मानेगा, ना कोडा साहब अपनी गलती मानेंगे कि उन्होंने किसी से बिना कंसल्ट किए ये उल जलूल कानून और नियम वो लेकर आ गए हैं। अब इसका हल कैसे निकलेगा? अदालत में तो ये मामला पहुंच गया है, आपको लगता है कि अदालत से इस पर कोई राहत मिल पाएगी? देखिए अदालत पे हम भरोसा करते हैं, हम अदालत पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, जो सरकार जो अदालत ऑर्डर देगा उसे हम मानेंगे, और अगर अगर खिलाफ रहा तो अपील में जाएंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को स्ट्राइक से और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। सरकार अगर पॉलिसी के खिलाफ, अगर लोगों के खिलाफ कोई काम कर रही है तो आप उसके खिलाफ, आपको डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करने का और स्ट्राइक करने का तो अधिकार है। ये दूसरी बात है कि आप 144 अगर अगले 5 साल तक लगाते हैं कर्फ्यू, वो दूसरी बात है, तो उस पे तो हमें कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन ये अगर... बात आप ये बात लेकिन क्लियरली मानते हैं कि कोडा पटेल जी जो लक्षद्वीप का जो संवैधानिक ढांचा है उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर और बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ऐसे नहीं हो रहा है, अगर आप एक प्रशासक हैं आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी आइडियोलॉजी से आपका नाता हो, जब आप चेयर पर बैठे फंक्शनली होकर संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो आपको निष्पक्ष रूप से न्यूट्रल तरीके से आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबकी मदद करनी पड़ेगी, सबका काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं आरएसएस का आदमी हूं या मैं बीजेपी का आदमी हूं या मैं कांग्रेस का हूं तो मैं ऐसे ना, आपको सबका काम करना पड़ेगा। मैंने आपसे इसीलिए शुरू में ही सवाल किया था और उसी सवाल पर आज ये इंटरव्यू भी खत्म करूंगी। यही सवाल दोबारा रिपीट करके कि क्योंकि खोडा साहब आरएसएस से बहुत ज्यादा करीबी है तो आपको लग रहा है कि आरएसएस का एजेंडा बीजेपी सरकार
होडा जी के जरिए उसको पूरा करेगी लक्षद्वीप में? देखिए, आरएसएस का एजेंडा या बीजेपी का एजेंडा जो भी अभी इन्होंने अब तक जो किया है वो लक्षद्वीप के लोगों के लिए नुकसान रहा है, ये मुझे मालूम है। बीजेपी का आइडियोलॉजी या आरएसएस का आइडियोलॉजी उन्होंने लागू किया या नहीं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी अब तक किया उससे नुकसान ही हुआ है लोगों का भी और लक्षद्वीप का। और आगे जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसमें हमें यही चीज का एक सब लोगों को एक ये है कि भाई आगे भी इस तरीके की चीजें करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये बातें सुनकर वाकई में मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब लक्षद्वीप वाकई में जो लक्षद्वीप के जो पुराने दिन थे वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और इसी तरह से अगर बिल्कुल आंख बंद करके और नियम और कानून बनाया जाएगा तो वाकई में जो इकोलॉजिकल जोन है लक्षद्वीप का, जो कि अपनी सुंदरता के लिए सादगी के लिए जाना जाता है, शायद वो लक्षद्वीप नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट और आप जल्द स्वस्थ हो। आप अभी कोरोना से भी इन्फेक्टेड हो गए थे तो आप जल्द स्वस्थ हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आपको लक्षद्वीप में ही देखना चाहूंगी कि लक्षद्वीप की राजनीति को जिंदा रखिए और लक्षद्वीप का जो सौंदर्य है उसकी सादगी के लिए आप बराबर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस इंटरव्यू के बारे में आपको क्या कहना है फीडबैक जरूर दीजिएगा। और गूगल प्ले स्टोर पर सती हिंदी का ऐप भी आ चुका है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन सैयद फॉर जॉइनिंग सती हिंदी। थैंक यू मैम। यू प्लीज सेंड मी द लिंक वंस यू श्योर विल डू सो दैट आई कैन सर्कुलेट इट विद माय पीपल। श्योर सर। थैंक यू गुड नाइट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।